पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा था कि उसके जो रेडियस के में तुम्हारा जो एटम है और उसके जिस एटम से वो बना है उसका रेडियस, और जो यूनिट सेल बनाया गया जो क्यूबिक, जो तीन तरह के होते हैं, दैट इज़ प्रिमिटिव, FCC और BCC, उसके रेडियस के में क्या रिलेशन है और एज लेंथ में क्या रिलेशन है। और उसके अलावा हम लोगों ने उसके सब सारे यूनिट सेल कंटेंट के बारे में पढ़ा, तो इन सब का इन सबों के बाद और डेंसिटी भी हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी का जो तुम्हारा है यूनिट सेल का तुम्हारा जो है कि जो एक तो कैसे कैसे उसमें जो सॉलिड है उसमें उसकी पैकिंग कैसे होती है। तो एक पैकिंग का जो नाम है तुम्हारा, जहाँ तक कि एक सिंपल क्यूबिक पैकिंग होता है, जैसे सॉलिड है तो उसमें एक जो पैकिंग है जो कि सबसे जिसकी एफिशिएंसी कम होती है जो उसको कहा जाता है सिंपल क्यूबिक पैकिंग। पहले उसको देख लेते हैं, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। इसका जो यूनिट सेल होता है, जाहिर है ये पैकिंग की एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी का मतलब कितने परसेंट पार्ट भरे होते हैं। तो इसका जैसे कि हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी अभी तो नहीं कैलकुलेट किए किसी का, जो कि इसका इसमें इसी लेक्चर में होगा तो उसे भी शामिल करने की कोशिश करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं कितना देर लगता है पैकिंग समझने में, देयर आफ्टर उसका डिसाइड करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि पैकिंग कैसे करते हैं। एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि सॉलिड में पैकिंग क्या है। तो जैसे कि एक लाइन में किसी एटम्स को आपको अरेंज करना है, तो एक लाइन में क्या करते हैं इसको एक दूसरे से को क्या कर सकते हैं आप इसके इसको क्लोज में रखते चले जाइएगा। एक लाइन में क्या करते जाइएगा, इसको क्लोज में रखते जाइए। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये क्या हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया ये क्या बनते चल जाएगा, ये क्लोज में रखते चले गए। तो ये तुम्हारा जो है एक सेंटर तो एक लाइन में बन गया। अब दूसरे लाइन में अगर बॉल को रखना है, दूसरे लाइन में इसको अगर एटम्स को अरेंज होना है, तो अगर दूसरे एटम एक लाइन में तो ये होगा जो कि तो एक दूसरा तो इसमें एक डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी एज लेंथ जो होगा। दूसरा डायमेंशन में रखना है तो एक व्यवस्था जो होती है, जो सिंपल क्यूबिक की पहले बात करें तो सिंपल क्यूबिक में होता है एक बॉल के सेंटर के सामने दूसरे बॉल का सेंटर आ जाए, एकदम जस्ट एबव, मतलब यहां का सेंटर है तो इसको जस्ट यहां पर इसके इसका सेंटर आ जाए। तो इस तरह से जो व्यवस्था होगी तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक का हर किसी का सेंटर क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा, एक एकदम बिल्कुल अलाइन रहेगा। तो एक चीज तो ये देख सकते हैं कि ये लेयर का बनावट और इस लेयर का बनावट बिल्कुल क्या है, सेम है, एकदम एक जैसा हो गया। तो इसको जो है तुमको तो इसका जो यूनिट सेल अगर बनेगा, देखो यहां पर तुमको तो स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा, इसके सामने इसका है, इसके सामने इसका है, सबका एक दूसरे के सामने होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा, ये तो बन भी गया, यहां पर एक स्क्वायर बन रहा है, यहां पर इसे सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे तो क्या बन गया, एक स्क्वायर बनेगा। और यही जब चीज है, अब इसी को अगर हम लोग थ्री डायमेंशन में इसके और इसके सेंटर के एवं एक बॉल को रख दें, जैसे एक बॉल है यहां पर जो कि यहां रख दिए, तो ये तुम्हारा हो गया, ये एक बॉल कितने बॉल को टच कर रहा है, एक बॉल देखो यहां पर तुमको चार बॉल को टच करता हुआ दिख रहा है, एक दो तीन चार, ये चार बॉल को टच कर रहा है, चार बॉल इसके कांटेक्ट में है, एक मतलब चारों चार बॉल देख रहे हो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और एक बॉल तो ये जो टू डायमेंशन में तुम्हारा अभी तक देख रहे हैं हम लोग, ये टू डायमेंशन का मतलब जो बोर्ड पर देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में जो क्रिस्टल जो तुम्हारा होता है, जो कि ये तो तुम्हारा एक अगर इस तरह का देते स्क्वायर टाइप का बनते हुए दिख रहा है, और एक एटम कितने एटम को टच कर रहे हैं, चार एटम को, लेकिन थ्री डायमेंशन में जो पैकिंग होती है एक्चुअल में, तो बॉल तो ऊपर और नीचे से भी रखे जाएंगे, मतलब ये जो जैसे होगा तुम्हारा इस तरह के बनेंगे। तो देखो जैसे तुम्हारा अभी तक जो तुमने बनाया एक स्क्वायर तुम्हारा ये दिख रहा है, अब जो इसके ऊपर में फिर क्या हो जाएंगे, यहां पर एक बॉल जैसे अभी तुम रख रहे थे इस ढंग से, एक यहां पे बॉल दिख रहा था और एक अगर इस फेस को देखें तो ऐसे ये दिख रहा तुम्हें, और इधर भी तो बॉल सट रहा है यहां पर, और ये इसके ऊपर भी आएगा। तो इस तरह से क्या होता जाएगा तुम्हारा, इसमें जो बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा तुम्हें, अगर इमेजिन करो तो क्या बन जाएगा, ये इसका जो पैकिंग बन जाने जा रहा है ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्यूब बनेगा। और सारे लेयर्स देखें तो इसमें जैसे जिस तरह से जिस तरह से इस लेयर में जो एटम्स के जो बनावट है इस तरह जो सामने तुम्हारे फेस में दिख रहा है, और इसमें दूसरा जो देख रहे हैं दूसरा जो पलट के दिखा है, तो ये दोनों के बनावट क्या है, बिल्कुल एक जैसी है, तो इसको AA टाइप पैकिंग कहेंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये जो टू डायमेंशन में तुमने देखा, इसके ऊपर में थर्ड लेयर देंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, जस्ट एक एटम के जो है एकदम वर्टिकली अबव द अनदर, वन एटम इज वर्टिकली एबव द अनदर। तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव कहलाएगा, ये प्रिमिटिव इसका जो तुम्हारा यूनिट से लेके प्रिमिटिव बनता है। और तुम्हारा देख सकते हो कि इसमें जो तुम्हारा हो गया
तो फिर से इस बात को देखें, इसको हम लोग क्या किस तरह की पैकिंग कर सकते हैं कि ए ए मतलब जैसा इसकी बनावट है, अगर इसको ए कहा जाए तो इस ये जो लेयर है बिल्कुल उसके जैसा सेम है, तो इट इज द लेयर ऑफ ए ए टाइप पैकिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए ए टाइप पैकिंग। और इसमें जो है एक एटम कितने एटम से टच कर घिरे हुए हैं, तो चलिए इसको काउंट करते हैं। और जो जैसे क्या कहते हैं इन सिंपल क्यूबिक, मैं देखा लाइन लिख देता हूं, इन सिंपल क्यूबिक द यूनिट सेल इज प्रिमिटिव, द यूनिट सेल इज प्रिमिटिव होगा, और ईच एटम इज सराउंडेड बाय एट एटम्स, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज एट। तो सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर जो तुम्हारी होगी ईच एटम का आठ होगा। जैसे देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर उसी कहते हैं जितने एटम से घिरे हुए हैं वो कितने क्या कहलाएंगे, एट कहलाएंगे, मतलब उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा है एक तो अभी तो गिनती नहीं हो पाई शायद, या गिन लिया होगा पता नहीं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तुम्हारा, सॉरी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स। एक एटम कितना से घिरा हुआ है, इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम्स, ईच एटम इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम, प्रत्येक जो एटम है ईच एटम इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम्स, ये तुम्हारा क्या हो गया सराउंडेड बाय सिक्स एटम्स, तुम्हारा जो है एट के बजाय क्या होगा सिक्स एटम्स, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया तुम्हारा सिक्स हो जाएगा। तो जाहिर है कि तुम्हारा सिक्स कैसे हुआ, देख लो यहाँ पर गिनती कर लेते हैं, तो तुम्हारा जो सिक्स कैसे हो गया तुम्हारा, एक यहाँ पर जो इस पिक्चर में देख रहे होगे जो ये कोई बॉल है जो कि तुम्हारा कि यहाँ पर है, ये क्रॉस्ड बॉल है, ये कितने बॉल से देखो टच कर रहा है, देखो यहाँ पर ये एक दो तीन चार बॉल से यहाँ टच कर रहा, और एक इसके जस्ट एवव होगा और एक इसके जस्ट बिलो होगा, तो इसका मतलब कितने बॉल से टच किया इसने, तो ईच बॉल इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम, ईच बॉल इज सराउंडेड बाय, जहां पे एट लिखा हुआ है वहां पर क्या कर दिया जाए सिक्स एटम, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सिक्स हो गया। ईच सराउंडेड बाय क्या हो गया तुम्हारा, तो प्रत्येक बॉल कितना बॉल से सराउंडेड है सिक्स बॉल से, इसलिए इसकी क्या कहलाएगी, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सिक्स। और ये किस तरह का पैकिंग कहलाया, जैसा कभी मैंने बताया कि ए ए टाइप पैकिंग होगा, इट इज कॉल्ड ए डैश ए टाइप पैकिंग, ए डैश ए टाइप ऑफ पैकिंग, इसकी जो पैकिंग हो गई कितना ए टाइप की हो गई। तो इसका जो यूनिट सेल होता है किस तरह का होता है, इसका यूनिट सेल क्या होगा तुम्हारा प्रिमिटिव टाइप का होता है, ईच एटम इज सराउंडेड बाय कितना सिक्स एटम्स, छः एटम से ये घिरा होता घिरा हुआ रहता है, तो सिक्स एटम्स, इसलिए इसकी और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई सिक्स हो गई, जैसा कि तुम्हें काउंट करके मैंने दिखा भी दिया। फिर देखो एक बॉल यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ से भी देखो ये जो क्रॉस्ड बॉल है इस लेयर में कितने बॉल से टच करेंगे, एक इधर चार हो गए, और एक ऊपर और एक नीचे, तो दैट मीन्स कितना हो गया इस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया ये चार दिख रहा है और दो एक ऊपर एक नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू सिक्स नॉट एट। और इसका टाइप क्या कहलाएगा ए ए टाइप। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट कर भी सकते हैं इसको, या एक ही बार सबका कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज इस पैकिंग एफिशिएंसी इज 52%, मतलब 52% इसमें जो वॉइड है ये जो बना हुआ तुम्हारा ये देख रहे होगे, इस वॉइड को हम लोग क्यूबिक वॉइड कहते हैं, और इसका व्यू इस क्यूबिक वॉइड का रेशियो अगर चाहेंगे एटम से निकालना तो वो भी निकाल सकते हो, द रेशियो ऑफ
ये क्यूबिक, ये जिस एटम से ये बना है और यहाँ पे क्यूबिक वॉइड जो होगा उसका रेडियस रेशियो क्या होगा, तो क्यूबिक वॉइड में तुम्हारा क्या होगा, देखो इसको कैसे निकालोगे, इसका इस यहाँ पे कितने मैक्सिमम साइज के बॉल आ सकते हैं अगर इसकी बात की जाए, तो देखो इसको निकालने का क्या तरीका होगा, बहुत ही आसानी से ज्योमेट्रिकली समझ सकते हो। अगर इसका एज लेंथ हम लोग जैसे इसका रेडियस, इस बॉल का रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका तुमको एज लेंथ कितना है, 2R हो गया। और ये जो तुम देख रहे होगे, ये जो तुम्हारा जो कॉर्नर वाला बॉल है और यहां पर जो बॉल दोगे वॉइड एक भरेंगे क्यूबिक वॉइड में, उस सब मिलके क्या बन जाएगा, ये डायगोनल बन जाएगा और सब तीनों टॉप टच करता हुआ दिखेगा। तो इसका कैपिटल आर प्लस टू इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दैट्स इक्वल टू रूट थ्री। और इस प्रकार हम लोग किसका, दोनों के रेडियस क्यूबिक वॉइड और किसका, जिस एटम से क्रिएट हुआ उसका रेडियस का रेशियो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दिस पैकिंग, in this packing the void made is called cubic void which is large inside, in this type of packing, in this type of packing the void is cubic, जो वॉइड बना वो क्यूबिक है। और जैसे कि अभी मैंने बताया तुम्हारा क्या हो गया, तो एज लेंथ कितना होता है, एज इक्वल टू आर प्लस आर, जिस एटम से बना हुआ है दैट इज 2R एज लेंथ ऑफ द इसका, तो डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, रूट थ्री इंटू ए दैट्स इक्वल टू रूट थ्री इंटू 2R दैट्स इक्वल टू टू रूट थ्री आर। इसमें अब क्या होंगे, ये डायगोनल में कौन कौन आएंगे, तो डायगोनल में देखो एक तो तुम्हारा एक एटम जो कि जिससे बना है वो आएगा, उसके बाद दो तुम्हारे जो आएंगे दैट इज वाइड के आएंगे, ये वाइड का रेशियो होगा, ये 2R 2R हो गया ये, और एक कौन हो गया तुम्हारा, एक जो तुम्हारा रेडियस हो गया इसका हो गया तुम्हारा बॉल का जिस बॉल से बना है, एक फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया कैपिटल आर आ गया, ये सब क्या हो गया एक लाइन में आ गया, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री ए हो गया, यहां से यहां तक कितना होगा डिस्टेंस, रूट थ्री इंटू ए हो गया डायगोनल ऑफ द बॉडी डायगोनल, ये क्या है तुमको बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब है, ये बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब है। तो इसमें रिलेशन क्या आया, स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ, स्मॉल आर इक्वल रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड तो R प्लस टू आर प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, रूट थ्री इंटू टू आर, तो टू ब्रैकेट में R प्लस आर इक्वल टू टू रूट थ्री आर, तो R इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन इंटू आर, तो R इक्वल टू 1.732 में घट गया 0.732 R, तो रेडियस रेशियो कितना होगा तुम्हारा 0.732, इट इज वेरी लार्ज इन साइज, तो इसमें तुमको बहुत बड़े साइज के एटम्स भी क्या आ सकते हैं, इसमें समा जाएंगे। तो इसमें जो रेडियस का जो रेशियो है तुम्हारा ये बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब इसमें लार्ज टाइप के ये वॉइड है, वॉइड का साइज बहुत क्या है बड़ा है, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी इसकी क्या होगी कम होगी, क्योंकि इसमें जैसा जो वॉइड का साइज है वो 0.732 टाइम्स है, इट इज वेरी लार्ज इन साइज। तो अगर वॉइड का रेशियो इसके कहा जाए तो ये तुमको ऐसे तो एनसीईआरटी बुक में इसको कैलकुलेट नहीं किया गया है ये वॉइड का रेशियो के बारे में, साइज के बारे में, फिर भी ये समझना बहुत ज्योमेट्रिकली आसान है, और इसीलिए मैंने बता भी दिया कि बहुत ही आसान सा कैसा कैसे बना दिया इसको। ये तुम्हारा है, इसका एज लेंथ तुम्हारा पता चल गया तुमको, रेडियस आर है तो एज लेंथ 2R हो गया, और यहाँ पर ये जो तीन बॉल हैं, ये जो कॉर्नर बॉल और यहाँ पर जो वॉइड होंगे, ये वॉइड का डायमीटर दोनों एक लाइन में है, तो उसके आधार पर क्या होगा, कैपिटल आर प्लस टू इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू रूट थ्री इंटू टू आर। तो ये तुम्हारा हो गया किसका रेशियो निकल गया, वॉइड का रेशियो निकल गया। तो इस प्रकार के इस पैकिंग में क्या क्या सीख गया कि ये तुम्हारा जो है ए टाइप पैकिंग है, इसमें तुम्हारा क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल बना हुआ है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 52% के आसपास होती है, जो मैं आगे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा था इसका क्या कहते हैं, इसमें जो क्या है, इसमें जो वॉइड होते हैं उसका जो साइज है वो 0.732 टाइम्स होता है रेडियस, ओके, जिस एटम से बना हुआ है उस एटम के। तो आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दो पैकिंग पढ़ेंगे जिसको हम लोग जो काफी क्लोज पैकिंग कहलाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक CCP और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि इसमें समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, और इसमें भी देखते हैं।
इसमें भी कुछ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, एक तो बनावट है जिसको क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसमें इसकी चूंकि अभी जो बताया गया इसकी इफिशियंसी थोड़ी कम थी, इसलिए इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर में तुमको क्या नाम इसको नहीं देते हम लोग। तो दो क्लोज पैक स्ट्रक्चर जनरली हम लोग कहते हैं, जिसको एक का नाम हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एक हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में किसको किसको रखेंगे, ये दो तरह के, दोनों का जो है स्टार्टिंग जो लेयर है दोनों का सेम ही होता है। इसलिए पहले तो अभी हम दोनों का जो पहला बनावट है वो दोनों का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसको देखते हैं यहां से, देखो ये तुम्हारा जो है ना, यहां देखो एक मॉडल में दिखा रहा हूं। तो देखो इसमें क्या है, तो पहले तो आप एक एटम को यहां जैसे एक दो एटम को आप यहां पर एक दूसरे से टच कराते हुए यहां पर ज्वाइन कीजिए, और यहां पर जो अभी एटम रख रहे थे जो इस लेयर में, जो सेकेंड लेयर में, यहां पर सेकेंड लेयर में जो एटम रख रहे थे ठीक अभी जो तुम देखा होगा कि इसके सेंटर के एभव में उसका सेंटर रखे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। अब जो इसको डिप्रेशन है जो इन दोनों के बीच में बना है इसको सेंटर मान करके ऐसे करके रखिए बॉल को। तो ये जो बॉल होगा फिर इसका बॉल इसको सेंटर करते हुए रख दीजिए, इसको क्या मानिएगा सेंटर करते हुए रखिए, फिर इस तरह से क्या रखते जाइए बॉल को रखते जाइए। तो ये जो तुम्हारा बन गया ये ज्यादा क्लोज होगा ये पैकिंग। तो एक अभी जो देखा था इसके सेंटर के सामने सेंटर देख रख रहे थे इसका, लेकिन अभी क्या है तुम्हारा ये जो लेयर है तुमको इस लेयर को अगला लेयर को क्या रखा गया इसके डिप्रेशन में, इसको कहते हैं डाल दिए, जो बीच में गैपिंग बच रहा था। तो ये तो सेकंड लेयर का पैकिंग हुआ, फिर इसके डिप्रेशन में आगे भरते जाइएगा इसको, फिर आगे भरते जाइएगा तो ये तो टू डायमेंशन में ये सब पिक्चर दिखेगा ही। और टू डायमेंशन में जब बीच का कोई बॉल देखोगे तो वह कितने बॉल से घिरा हुआ होगा, कैन यू इमेजिन इट, एक बीच का जो बॉल होगा ये कितने बॉल से घिरेंगे। तो तुम सोच सकते हो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां पर तो तुम दिख रहा होगा मतलब कि जो बॉल से, तो इमेजिन कर सकते हो कितने बॉल से घिरेगा, ये सिक्स बॉल से घिरेगा, एक बॉल जो है तुमको सिक्स बॉल से घिरेगा। देखो जैसे नहीं दिख रहा समझ पाए होगे तो यहां देखो तुम्हारा ये बना हुआ है, इसमें देखो क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा दिख रहा होगा देखो दो बॉल है, दो बॉल के क्या है तुम्हारा ये देखो, ये जो तुम्हारा है इसके देखो डिप्रेशन में रखा हुआ है बॉल है ना, अब फिर यहां के डिप्रेशन में ढंग से रखा हुआ है। तो यही बनावट की बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो बीच वाला बॉल है देखो कितना बॉल से घिरा हुआ है, तो ये हेक्सागोन टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, देखो ये सिक्स बॉल से ये क्या है घिरे हुए हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पिक्चर, तो ये सिक्स बॉल से घिरा हुआ है, देखो एक एटम कितना बॉल से घिरा है सिक्स बॉल से, यहां देखो ये डिप्रेशन में रखा दो बॉल, फिर इसके देखो डिप्रेशन में बीच में घुसा हुआ है, और इधर भी फिर इधर डिप्रेशन में इधर और भी बॉल होंगे, तो इसके डिप्रेशन में हर जगह बना हुआ है, बिल्कुल क्लियर होगा इस फिगर से। अब इसके बाद जो तुम्हारा ये तो टू डायमेंशन में भी तुमने देखा, ये टू डायमेंशन में अभी देख रहे हो, अब इसके बाद जो थ्री डायमेंशन लेयर में है उसको देखते हैं। तो थ्री उसका अगला लेयर देखते हैं इसका कैसे भरेंगे, अगला लेयर भी तुमको दोनों में सेम है, ध्यान रहे सीसीपी और एससीपी में अभी भी जो सेकेंड लेयर हम बनाने जा रहे हैं जो कि देखोगे यहां तुम देखो जिसको जो तुम देख पा रहे हो, देखो ये जो तुम्हारा यहां बॉल बना इसके हम डिप्रेशन में यहां बॉल को डाल रहे हैं एकदम ऐसे करके, देखो डिप्रेशन में इसके जस्ट ओवरहेड नहीं डाल रहे हैं, ध्यान से देखो ये बॉल को इस ढंग से मैंने रखा, देखो ये बॉल को मैंने इस ढंग से अरेंज किया, ये डिप्रेशन में बॉल डाल दिया गया। तो ये जो तुम्हारा बना यहां पर एक चीज गौर कर सकते हो, इस तरह का जो एक जो तुम्हारा यहां वॉइड बना होगा, ये चीज यहां पर देखो वॉइड मतलब यहां पर जब बॉल रखते हैं तो क्या बना एक वॉइड बना होगा, जो किस तरह का वॉइड बना होगा देखो यहां कितने बॉल से मिलकर बना है ये, तो यहां पर देखते हो इस लेयर में तीन बॉल है और ऊपर के लेयर के तीन बॉल मिलकर बने हैं। तो ये देख रहे हो तुमको ये जो देख रहे हो डिप्रेशन में गया, तो अभी भी मैंने कहा कि सीसीपी और एससीपी जो दो लेयर होते हैं दोनों के अभी भी बनावट बिल्कुल सेम है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, टू डायमेंशन में भी सेम है, अभी भी जो एक लेयर डाला दूसरा लेयर वहां तक भी सेम है। तो ये जो तुम्हारा है देखो ये जो तुम्हारा इस तरह का जो एक वॉइड बना हुआ जिसको अलग से भी बताएंगे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है, देखो ये किस तरह का है, एक जो है तुम्हारा तीन बॉल के ऊपर में क्या किया गया एक बॉल को यहां पर डाला गया इस ढंग से तुम्हें बढ़ा, तो देखो यहां पर और अगर एक इस ढंग से बॉल को रखते देखो इस ढंग से यहां देखो ये तीन बॉल है तुम्हारा इसके ऊपर यहां इसको भर देते इस गैपिंग को भरते एकदम होल को, तो ये जो तुम्हारा वॉइड बनता ये अलग बनता जो कि अगले लेयर में करने भी जा रहे हैं एक पैकिंग में, और उसको तो अगला लेयर को बाद में देखेंगे, पहले ये देखो तुम्हारा अभी जो तुमको बॉल रखने का दो तरीका मैं बता रहा हूं, देखो गौर से ये तीन बॉल है यहां पर तीन बॉल है यहां पर देखो ये जो तीन बॉल है एक तो एक यहां पर बॉल रखेंगे इस दोनों बॉल के सेंटर को करते हुए ऐसे, तो ये तुम्हारा जो बनेगा यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, और यहां पर अगर बॉल हम इसको यहां भरते हैं तो ये कैसा बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो इसको तुमको देखो दो तरह से, मैं अब इसको दूसरा डायग्राम से मैं दिखाता हूं, इसको इस चीज को समझने में तुमको दिक्कत होगी तो शायद मुझे लगता है कि जो दूसरा डायग्राम है देखो ये तीन बॉल है तुम्हारे साथ,
ये देख रहे हो, तीन वोल्ट टच है। और अगर इस बॉल को हम यहां रख दें, इसको भर दें, देखो तो ये जो तुम्हारा वाइट बना, ये तीन बॉल के ऊपर में एक ऐसे ढक दिया तुमने, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये जो वाइट बन रहा है ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइट बना हुआ। जो देखो चार इसमें टेट्राहेड्रल, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसका चार फेस है। देखो ये यहां से तुमको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये दो तुम्हारा देख रहे हो ऐसे ट्रायंगल बना, तो इस तरह से एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल, और एक जो है नीचे वाला ट्रायंगल फेस, तो इसके कितने फेस हो गए, चार फेस है। इसलिए इसका क्या नाम हो गया, ये दिस टाइप ऑफ वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया तुम्हारा, जिसमें कि कितने टाइप से बने हुए, जिसमें चार फेसेस हैं, एक यहां फेस, एक फेस यहां पर, फिर देखो दूसरा फेस इधर से देखिए, तीसरा फेस, एक फेस इधर से दिख रहा, इसी टाइप से तीनों तरफ से देखोगे, एक नीचे का, तो इसमें चार फेस से बना हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसी बॉल को लेकिन दूसरे टाइप से अगर रखते, देखो इस बॉल को कैसे रखते, यहां कैमरा में देख रहे हो, इस बॉल को अगर यहां से सेंटर करते हुए रखते, इस ढंग से सेंटर करते हुए रखते, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता। जैसा कि तुमको दूसरा एक मॉडल मैं दिखाता हूं, देखो तुम्हारा दूसरा मॉडल मैं दिखाता हूं जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का तुम्हारा मॉडल है, तो ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा मॉडल है, देखो इस बॉल में, इसमें देखो क्या है मॉडल तुम्हारा, ये तीन बॉल है, एक यहां पर जो बॉल है देखो इसको सेंटर करते हुए, देखो यहां दिख रहा होगा, इसके डिप्रेशन में इसको डाला गया, इसके डिप्रेशन में इसको डाला गया, इसके डिप्रेशन में, तो ये जो होल बने हुए ये कैसा है, इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना हुआ है, जो कि तुम्हारा वहां पर जो कि अभी बॉल डाल रहे थे, अभी जो सेकेंड लेयर का पैकिंग है हम इसी टाइप से करने जा रहे थे। देखो ये जो तुम्हारा बिल्कुल फिगर में आ रहा होगा, देखो ये पहले लेयर का बॉल हुआ, और देखो दूसरे लेयर का ये जो बॉल है इसके डिप्रेशन में डाला हुआ है, तो इस तरह का लेयर जो तैयार हुआ, और एक जो टेट्राहेड्रल जब बना रहे थे देखो एकदम बीच में डाले थे, तो दोनों में आई होप कि तुम कर लिया होगा, इसमें डिस्टिंग्विश कर लिया होगा। जो एक तुमको इसमें जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि अभी मैंने क्यूबिक वॉइड का रेशियो बताया, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में एक दिया हुआ है कि आप जो टेट्राहेड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना हुआ है उसके रेडियस का रेशियो बताइए, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, जैसा अभी बताया था क्यूबिक का। तो देखो इसको बनाए हो कैसे तुम, जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू द एटम व्हिच, टू द रेडियस ऑफ एटम व्हिच फॉर्म्स द वॉइड, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर तुम देखोगे, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक बार पहले ऐसे है तुमको, देखो ऐसे इस ढंग से तुमने अभी बताया सीखा, एक दूसरा इसको इसको देखने के लिए बहुत ही देखो एक जो तुमको इमेजिन नहीं कर पाओगे इसे, लेकिन यहां जब मैं पलट रहा हूं इस फिगर को गौर से देखना, एक तुम देखो यहां पर ये तुमको दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहां पर नीचे तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसको देखो, इसको इस डायग्राम, इस एंगल से देखो, एक देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग तुम्हें नजर आएगा, और ऐसा हो सकता है तुम बहुत सारे स्टूडेंट इस ढंग से इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे अपने से, लेकिन यहां पर जो मॉडल दिख रहा है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो देखो एक बॉल नीचे आ गया, चारों ये जो चारों बॉल है देखो एक फेस में आ गया, और एक ऊपर फिर है तुम्हें, तो ये देखो दो एंगल से इसको देखिए, एक ऐसे एंगल से आपने देखा, और इसी वॉइड में देखिए इस ढंग से जब मैंने खड़ा कर दिया, तो ये चार जो ये एटम है, ये चारों एटम क्या हो गए, एक प्लेन में आ गए, और ये चारों क्या बना रहे, सेंटर पे क्या बना रहे, एक सटा हुआ है और बीच में तुम्हारा वॉइड है। तो अगर इस ढंग से हम लोग इस पिक्चर को बनाए तो हम इसका रेडियस रेशियो भी निकाल सकते हैं। देखो तो एक तुम्हारा जो है क्या हो गया, एक एटम ये हुआ तुम्हारा, दूसरा एटम ये हो गया तुम्हारा, इसका यहां पर फिर तीसरा एटम हुआ, और यहां पर क्या हो गया, चौथा एटम हो गया, और यहां पर बीच में जो एटम होगा ये रेडियस ऑफ ये जो बना दैट इज कॉल्ड क्या होगा तुम्हारा, ये वॉइड हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा यहां से सेंटर से लेके यहां से चला यहां तक चला गया, तो ये सेंटर से लेके यहां तक हो गया तुम्हारा, और इसके जो रेडियस है तुम्हारे, अगर ये आर आर हैं, ये रेडियस तुम्हारे क्या है आर है, यहां से इसके रेडियस भी आर है, यहां से भी रेडियस क्या हो गया आर हो गया, तो ये कितना हो गया, ये टू आर हो गया। तो क्या होगा तुम्हारा, 2r प्लस टू स्मॉल r इक्वल्स टू रूट टू इंटू टू आर, देखो ये क्यू स्क्वायर का डायगोनल हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया, ये कैपिटल r किसका रेडियस है, ये जिस एटम से बना, और स्मॉल r किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ वॉइड, कौन सा वॉइड कहेंगे इसको, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये तुम्हारा क्या आ गया तुम्हारा, तो 2 इंटू आर प्लस आर इक्वल्स टू रूट टू इंटू टू आर, तो आर इक्वल्स टू रूट टू का वैल्यू 1.414 होता है, तो उसमें माइनस वन हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू इसमें 0.414 होता है, 0.414 होता है रेडियस का रेशियो। ये तुम्हारा एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये रेडियस रेशियो ऑफ किसका निकल गया, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो ऑफ
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये मैंने कहा कि एक एक्सरसाइज में तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने उसको एकदम से तुम्हारा सॉल्यूशन भी इसको समझ सकते हो। और इसमें देखो एक चीज तो तुम जो इमेजिन नहीं कर पाए होगे, मैंने कहा जो कि इमेजिन करना कठिन होगा, जिसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बट इस एंगल से जब हमने किया तो देखो ये तुम्हारा क्या देखा, चारों एक फेस में दिख रहा है, दैट्स इट। ये तुम गौर करो, देखो ये जो हो सकता है इमेजिन नहीं कर पाता इसको, इस सिचुएशन को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये जब डायग्राम यहाँ पे जो मॉडल तुम्हारा सामने है बिल्कुल दिख रहा है, ये तुम्हारा ये आर से बना हुआ है, ये जो तुम्हारा जो कि यहाँ पे बनेगा ये वाइड होगा, यहाँ पर होगा टू आर, और बीच में क्या कर दिया गया डायग्राम के द्वारा निकाल दिया गया उसको। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, और रेडियस रेशियो ऑफ जो तुम्हारा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड वो भी मैं लिखता हूँ, रेडियस रेशियो वो चार से बना हुआ है, इसमें आठ फेसेस हो जाते हैं और इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू 0.225 होता है, और ये तुमको जो है एटम के बनावट में भी ये सब की काफी भूमिका होती है, किस तरह से एटम अरेंज होंगे। तो आयनिक सॉलिड का जैसे पहले तुम्हारा वो सिलेबस में दिया हुआ भी था तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, लेकिन अभी तो उसे हटा दिया गया है कि किस जैसे इस सब जो किस एटम में कौन सा वॉइड में जाएगा। जैसे NaCl जो टाइप क्रिस्टल होता है वो तुमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाते हैं, Cl- जो एटम होता है बड़ा होता है, उसमें Cl- का क्या बनता है, CCP बनता है जो कि क्लोज पैक में रहेगा, और Na+ उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहते हैं। तो ये जो बनावट है अभी तो मतलब तुम्हारे सिलेबस में क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है, तो उन सब बातों पर अभी इंफेसिस करेंगे भी नहीं, जो सिलेबस है तुम्हारा उसी पर जो फोकस होता है हमारा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो एनसीईआरटी बुक तय करता है उसी के आधार पर हम लोग को पढ़ना चाहिए, तो उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी में काफ़ी चीज़ रहती है। और जाहिर है कि स्ट्रक्चर को समझिए, और जहाँ तक कि अभी बता रहे थे हम उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं अपने बात को, जहाँ तक जहाँ से स्टार्ट किए थे जहाँ वॉइड वगैरह दिखाने लगे थे, तो आई होप कि अब वॉइड को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर फिर से मैं आता हूँ इस मॉडल पे, तो अभी मैं CCP और SCP पर था, तो CCP और SCP अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ था, तो ये जो तुम्हारा था ये फिर से उस पर आते हैं हम लोग लॉक करके इस डायग्राम पर, जहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ तुमने देखा ये दो बॉल था, इसके डिप्रेशन में एक बॉल को डाला गया, तो ये जो बॉल को डाला गया तो फिर क्या बना तुम्हारा, ये यहां पर जो है मैंने कहा कि दूसरा लेयर में बॉल को कहां रखना है, याद होगा तुम्हें दूसरा लेयर में बॉल को डिप्रेशन में रखना है, ना कि इसके बीच में नहीं रखना, ये तीन बॉल के सेंटर पर नहीं रखना आपको, ये दो बॉल को सेंटर करते हुए जो बनाते हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो बनाने का तरीका होता है उसमें रखते हैं हम लोग। और इस ढंग से क्या होगा, सेकेंड लेयर ऑफ बॉल इज प्रिपेयर, ये सेकेंड लेयर ऑफ बॉल क्या होगा तुम्हारा तैयार हो गया। अब तुमको यहां तक तुमको मैंने कहा था ये जो तुम्हारा सेकेंड लेयर तक का जो बनावट है बिल्कुल क्या होगा, सेम है, किसमें सेकेंड लेयर तक का जो बनावट है दोनों में किस्म किस्म में तुम्हारा जो क्लोज पैकिंग कितने तरह के होंगे, दो तरह के, ये दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब डिफरेंस कहां पर आएगा, देखो डिफरेंस आएगा तुमको ये जो तीन ठो तुम्हारा जो था ये, अब डिफरेंस तुमको मैं बताता हूं कहां पर आएगा। देखो अब जो थर्ड लेयर में जब बॉल को जाने दोगे तो शायद तुम्हें कैमरा देख पा रहा होगा इसको, अब थर्ड लेयर में बॉल को रखने के दो तरीके हैं। थर्ड लेयर में बॉल को अगर आप इस पर रख देते हैं, देखो ये जो थ्री को तीसरा को सेंटर बनाया इस पर रखते हैं, एक तो ये तरीका होगा तुम्हारा थर्ड लेयर में बॉल को अगर इस पर रखते हैं, एक तो ये तरीका होगा, या फिर ये दो बॉल का जो डिप्रेशन आया उसमें रखिए, ये दो तरीका है इसको। तो एक चीज गौर कर सकते हो कि ये देखो जब अगर हम थर्ड फिर सेम टाइप सेकेंड लेयर में जैसे लिखने की कोशिश किए थे तो ये बॉल और ये बॉल देखो एक दूसरे के सामने आ गया है, गौर करके देख लो ये बॉल में इस बॉल की बात कर रहा हूं, ये बॉल को देखो इस ढंग के बनावट में। तो इसमें हमने क्या किया, एक आपने फर्स्ट लेयर बॉल प्रिपेयर किया जैसे कि था वहां जो बोर्ड पर भी दिख रहा है हेक्सागोनल टाइप का जो था जो बना हुआ था, इसमें छह बॉल थे उसमें, दूसरा को क्या किया गया दोनों के डिप्रेशन में रखता चला गया जिससे कि ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड बना, और अब फिर वही किया गया फिर ऑक्टाहेड्रल टाइप का जो बना उसी डिप्रेशन में रखा गया। तो ये तुम देखोगे ए बी और ये सी, ए बी और ए हो गया, ये किस तरह का पैकिंग बनना है देख लो, एक बॉल दूसरे बॉल के एकदम पैरेलल आ गया है देखो ये, तो ये तुम्हारा जो पैकिंग है इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, दिस पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें कि ए बी ए तीनों क्या आ गया एक लेयर में आ गया एक और दूसरा टाइप का इसी में तुमको बनावट होगा, दूसरा टाइप का जो इसमें तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होगा और दूसरा टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि इस बॉल को यहां पर रखो, देखो इस बॉल को कहां पर रखो इस जगह पर रखो, इस बॉल को इस जगह पे रखो और अब जाकर के देखोगे इस बॉल को जब इस जगह पे तुमने रखा और फिर इस जगह पे तो अभी भी तुम्हारे जो बॉल हैं ये दोनों पैरेलल में नहीं आए हैं, ये बॉल अभी भी क्या है अलग है, लेकिन जब अगला बॉल को जब हम सेंटर्ड करेंगे इसमें जैसे कि इसके सेंटर पर रखे इसका, देखो ये तुम्हारा कुछ खिसक गया है, तो ये जो तुम्हारा है अभी तुम्हारा ऐसे बॉल था यहां,
ये बॉल तुम्हारा था सेंटर में, और एक जो बॉल हमने कहा कि इसको जब यहां रखेंगे इसके सेंटर पे, इस बॉल को यहां पर, तो ये अभी भी जो बॉल है तुम्हारा इसको सेंटर करते हुए, इसको ये बॉल अभी भी क्या हो गया तुमको, इसको सेंटर करते हुए ऐसे रखे, तो ये बॉल अभी भी तुम्हारा क्या नहीं आया, ये इसके पैरेलल नहीं आया। लेकिन जब अगला बॉल हम रखेंगे इसको सेंटर्ड करते हुए, इसको इस पर, तो तुम्हारा ये बॉल और ये बॉल देखो एकदम पैरेलल आ जाएगा। देखो यहां पर दिख भी रहा होगा, ये बॉल और ये चौथा बॉल देखो ये बी सी एकदम। जब क्या किया गया, इसको जो किसको भर रहे हैं यहां पर, पहला लेयर में तुमको जो डिप्रेशन था उसमें जो बीच में डिप्रेशन में डालता गया दो बॉल के डिप्रेशन में, और अगला लेयर में तीन बॉल का जो डिप्रेशन उसमें डाला गया, और इसी टाइप से ऊपर पैकिंग करते चले गए, तो ये जो बॉल होगा तुम्हारा पहला बॉल और चौथा बॉल क्या हो रहा है तुम्हारा ए बी सी ए ऐसा करके आ गया। इट इज कॉल्ड सीसीपी पैकिंग। तो इसमें जो तुम्हारा होता है अभी तक जो तुमको कुछ हद तक जो मुझे लगता है कि मॉडल से जो तुम जितना समझाना था मैंने समझाया, अब तुम देख सकते हो इसमें जो कि मैं कुछ लिख देता हूं जो तुम्हें, तो इसमें जो तुम्हारा हो गया जो पैकिंग तुमने देखा होगा कि हेक्सागोन में क्या था तुम्हारा ए बी टाइप पैकिंग। आई होप कि इसको लिख लिया होगा, रेशियो वगैरह। तो इसको मैं लिख देता हूं एससीपी और सीसीपी में क्या क्या था। एससीपी और सीसीपी जो हो गया तुम्हारा वो किस तरह का हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तुम्हारा जो हो गया ये एचसीपी हो गया और ये हो गया सीसीपी। तो बनाने का तरीका तुमने देखा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये हो गया इसका फुल फॉर्म, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग PACKING, ये हो गया तुम्हारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये सीसीपी। तो इसमें क्या है तुम्हारा, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी हो गया, ए बी टाइप पैकिंग है ये, ये क्या होगा तुम्हारा ए बी सी टाइप पैकिंग, ये हो गया हेक्सागोनल हो गया ए बी और ये ए बी सी टाइप पैकिंग हो गया, ये तुम्हारा हो गया। इसमें जो तुम्हारा हो गया, और जैसे कैसे इसमें भरते थे, इसमें जो भरते थे तुम्हारा, इसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें पहला लेयर में तुम्हारा क्या था टेट्राहेड्रल वॉइड और इसमें क्या था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तुम्हारा क्या होता था तुम्हारा जो पहले में क्या भरे हमने, तो इसमें जो नंबर ऑफ जो तुम्हारा था दोनों में, ये दोनों के लिए जो तुम्हारा है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू एन, और इफिशियंसी भी दोनों में 74% इक्वल इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी कितना है इसका 74%, इसमें भी क्या होगा 74%, तो ये जो इफिशियंसी वगैरह है सेम होता है। इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसका काउंटिंग तो इसमें अभी नहीं बताया लेकिन लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी और एचसीपी इसके बराबर होता है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी और एचसीपी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी और एचसीपी, एचसीपी और सीसीपी के एटम का डबल होता है। तो ये तुमको दो रिजल्ट तुम याद रख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स जो कि होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो किसके बराबर होते हैं, वो एटम के इक्वल होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होती है उसके डबल होती है। और इसको जहां तक कि इसको काउंटिंग करने की जहां तक बात है तो इसको तुम एक यूनिट सेल में काउंट करने का कोशिश कर सकते हो। यूनिट सेल में अगर काउंट करोगे तो कैसे होगा, देखो तो एससीपी तुम्हारा था, तो यूनिट सेल में अगर तुम काउंट करना चाहोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, देखो उसका जगह कहां कहां होता है, उसमें जाहिर है कि तुमको स्ट्रक्चर को बहुत क्लोजली वॉच करना होगा तो पता चल जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है और टेट्राहेड्रल कहां बनता है। तुम जो देखोगे यहां पर जो तुम्हारा एक जो इसका जो सीसीपी का जो सीसीपी का जो प्रति यूनिट सेल होता है दैट इज फेस सेंटर्ड होता है, द यूनिट सेल ऑफ सीसीपी इज फेस सेंटर्ड, द यूनिट सेल ऑफ एफसीसी इज फेस सेंटर्ड, लिख लेते हैं इसको।
तो तुम्हारा जो कि पैकिंग में तुमको क्या क्या ध्यान समझ में आया होगा, थोड़ा सा उसमें थ्री डायमेंशन का काम था, आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया उसको मॉडल से भी बता दें। तो पहला लेयर में जो तुम्हारा पैकिंग था, दूसरा लेयर में जो पैकिंग था, दोनों सेम है। तीसरा लेयर में पैकिंग में क्या हुआ, एक में जो टेट्राहेड्रल वॉइड को आप कर रहे थे तो क्या बन गया आपका सीसीपी बना, और अगर उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जहां भरा था दो बॉल के डिप्रेशन को तो क्या बन गया था आपका एससीपी बना था। तो ए बी आई बी टाइप था वो, और ए बी सी टाइप पैकिंग किसका था। और जो जहां तक होता है सीसीपी हैज यूनिट सेल, यूनिट सेल फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड होता है इसका, एफसीसी होता है इसका सीसीपी का। और जहां तक कि इसमें, जहां तक कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, इसमें कहां कहां होगा जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है उसका जो सारे कॉर्नर्स होंगे, देखो यहां पर जो रेड बॉल जो कि फेस पर है, ये जो रेड बॉल देख रहे हो जो फेस पर, और एक ग्रीन बॉल जो कि तुम्हारा कहां पे है, एक ग्रीन बॉल जो तुम्हारा कहां पर है, ये तुमको कॉर्नर पे, ये तीन रेड बॉल और जो कि फेस सेंटर पे है और एक ग्रीन बॉल, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। इसका मतलब आठ बॉल हैं, आठ ग्रीन बॉल होंगे जब आठ कॉर्नर पे, तो आठों क्या बनाएंगे, एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, एट इन एफसीसी। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया, एट हो गया तुम्हारा। मैंने क्या कहा, ईच कॉर्नर पे वन बॉल, वन एटम एट ईच वन एटम, ईच वन एटम एट द कॉर्नर फॉर्म्ड फॉर्म टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया, नंबर ऑफ टेट्रा हेड्रल वॉइड इक्वल्स टू एट। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा यूनिट सेल में। और नंबर ऑफ एटम कितने थे, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी इक्वल टू जेड बराबर क्या था तुम्हारा, एट इंटू वन बाय एट प्लस सिक्स इंटू वन बाय टू दैट्स इक्वल टू फोर। तो देख लो, काउंटिंग करके देख लो, ये चार है तो ये आठ है, तो क्या हुआ, डबल हो गया जो मैंने वहां रिजल्ट लिखा है। अब जहां तक कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है तुमको एक जो होता है एकदम बिल्कुल आठों बॉल के मिडिल में, जो जो छह बॉल तुमको जो बना हुआ है, छह बॉल से मिलकर बना हुआ था, तो जो सेंटर पे जो होते हैं दैट इज एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और हर एक एज पर होता है, ईच एज पे वन फोर्थ रहता है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का काउंटिंग करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बारह एज है तुमको, तो 12 में एक तो वन चार में बढ़ जाता है, और एक तो उसके बॉडी सेंटर पे होता है जो कि एफसीसी का है, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये तुम्हारा 4 4 तो एक रेशियो तो जो बराबर हो गया और वो डबल हो गया। तो इसमें जैसे कहा क्या बताया गया, एक जो आप छह जो रेड बॉल होंगे जो कि तुम्हारा जो फेस सेंटर पे है, वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बनाते हैं जो कि जो सेंटर बॉडी सेंटर ऑफ जो क्यूबिक का है एफसीसी का, वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। और जो सभी सभी जो कि एज है, बारह जो एज है, उसका जो एक चार और चार क्यूबिक चार यूनिट सेल में इसको बढ़ जाएगा, तो एक एक बनता है, मतलब वहां पर क्या बन जाएगा, एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो हर मतलब एक में तुमको कितना पार्ट आएगा उसका, चार ट्वेल्व का ट्वेल्व एजेज है और सबका वन फोर्थ आया, थ्री प्लस वन। तो ये मैंने तुमको काउंटिंग भी कर दिया। तो इस प्रकार से अब तुम क्या कर सकते हो, तो कुछ इसका क्या क्या होगा तुमको सीसीपी और एससीपी में, एक बात है तुमको इसको चाहोगे तुम्हारे बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, जिसको तुम पढ़ भी सकते हो एनसीईआरटी बुक में, आई होप कि समझ में भी आ गया होगा। पहला फिर से मैं बोल देता हूं एक बार, जब आप हेक्सागोनल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, तो पहला लेयर में बॉल को क्या डालना है, उसको डिप्रेशन में डालना है, बॉल को यहां पर डिप्रेशन में डालें। फिर क्या करना है, दूसरा लेयर का जो बॉल है इन दोनों के डिप्रेशन में ऊपर बॉल डालिए। फिर तीसरा लेयर में जाकर के जब ऊपर बॉल डालते हैं, तो एक बार जब इन दो बॉल के डिप्रेशन में ऊपर में बॉल डालते गए, तो दैट इज वो फॉर्म करेगा एससीपी। और अगर दो बॉल के तीन बॉल का जो बीच में जो गैप बनता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसको अगर क्लोज कर दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड सीसीपी बनेगा। तो ये इसमें तुम्हारा ये दोनों को दो बनाने का तरीका हो गया। और दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% होती है। एक जो एससीपी को हम लोग ए बी कहते हैं, उसका ए आ जाता है, और सीसीपी में ए बी सी के बाद ए आता है, फिर से फोर्थ लेयर में सेम होता है। और दोनों में जहां तक ऑक्टा दोनों की, अब जो आपको यह याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ एटम जिससे ऑक्टाहेड्रल सीसीपी या एससीपी बन रहा है उसके इक्वल होता है, जिसको एन माने अगर नंबर ऑफ एटम की संख्या, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एन ही होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होगा, मतलब टू एन होगा। तो अगर इतना आप समझ गए होंगे और इतना आप याद रखें, तो आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा।
जैसे इसमें पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं, एक आध क्वेश्चन में हिंट कर देता हूं तुमको, जिसमें फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए कहता है, तो फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए देखते हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, तो एटम ए, एटम वाई फॉर्म्स सीसीपी एंड एटम एक्स एट टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, एट ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, एट ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, एट ऑल द टेट्राहेड्रल, फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब जहां तक कि है, देखो एक्स एटम जो जो कि जनरली वॉइड में होता है, उसका रेडियस छोटा होता है, तो वो केटाइन बनाते हैं, केटाइन का रेडियस छोटा होता है सामने ओपनली, और जैसे ऐसे कुछ जगह पर तो इसके वायलेशन हो सकते हैं, जैसे CF2 टाइप के क्रिस्टल में एफ फ्लोरिन छोटा एनायन है बट कैल्शियम बड़ा हो जाता है उसके साइड में, ठीक है। इन जनरल जैसे कोई है तो उनको क्या होते हैं, तो इन जनरली जो है जो एनायन होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, बड़े लार्ज साइज के होते हैं, और केटाइन उसके वॉइड में रहते हैं। तो जहां पर यहां तक बात हुई, तो तुम्हारा कौन बना, दोनों का रेशियो, इसको रेशियो एक्स इज टू वाई, तो पहले एक्स केटाइन बनाएगा, एक्स जो कि क्या बन गया, केटाइन बनेगा जो वॉइड में रहेगा, एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, वॉइड की संख्या ज्यादा होती है, ये तुमको एक्स कहां में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और ये है तुमको सीसीपी बनाया है, तो दोनों का रेडियस रेशियो, दोनों का जो रेशियो अभी देखा था नंबर का 2:1 याद करने के बोल भी रहे थे, जो कि निकाल के भी दिखाए थे, एक का 4 आया था यूनिट सेल में, एक का 8 आया था, नंबर ऑफ एटम जो है 4 थे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आया था, तुमको उसने भी देखा, और नहीं भी उसको समझ उसको तो आप याद भी रख सकते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बहुत सिंपल, अगर डबल होते हैं एटम तो एक्स टू वाई कर दीजिए, और जाहिर है कि पहले केटायन आप लिखेंगे, देन एनायन। अब इसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए एटम और आयंस, ए एटम्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड बी फॉर्म्स सीसीपी और SCP, दोनों बात बराबर है, SCP रहे या CCP, तो देखो A इज टू B क्या होगा, जब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सेम होता है 1, लेकिन इसमें 2/3 ही है, और ये तो एक एटम है ही, तो दो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते 2:3, तो फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हारा फॉर्मूला हो गया A का 2 और B का 3, A2B3, यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला A2B3। तो इसको समझ में आ गया होगा, इस तरह क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो तुम्हारे NCERT बुक में एक दो एग्जांपल दिया हुआ है, बिल्कुल समझ सकते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा। और अगर कोई कहेगा कि नहीं ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों वर्ड में है, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ए एटम अगर ऑक्टाहेड्रल में भी टेट्राहेड्रल में भी है, तो आप दोनों कहेंगे तो A3B हो जाएगा, अगर टोटल ऑक्यूपाई करता है, तो दो हो गए, जैसे एटम ए इन ऑक्टाहेड्रल, टोटल ऑक्टाहेड्रल प्लस टोटल टेट्राहेड्रल, तो एक कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू होगा तुम्हारा 2, तो ऑक्टाहेड्रल का 1 और टेट्राहेड्रल का 2, तो 2 = 3 होगा, तो A3B हो गया फॉर्मूला, ऐसा भी हो सकता है, या इसका 2/3 इसका 1/3, तो जस्ट आप जोड़ते जाइए, और जो भी एटम है आपका उसका रेशियो निकालिए, सिंपल रेशियो निकालिए, आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की संख्या के आधार पर बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, तुम एग्जाम्पल भी बना सकते हो, NCERT में भी तुम्हें इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हैं, और आप यहाँ भी बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि तुमको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी फॉर्मूला क्या कर जा सकता है, डिड्यूस किया जा सकता है। और मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, CCP और SCP के जो पहला लेयर और दूसरे लेयर बिल्कुल सेम थे, थर्ड लेयर में जबकि आप जो है 2 बॉल के डिप्रेशन में आप बॉल डालते हैं तो आपका SCP बनता है, और 3 बॉल के जो बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको अगर आप ओवरलैप करते हैं उस पर अगर एटम डालते हैं तो आपको क्या बनता है, CCP बनता है। और इस बात को आप जो है बुक में भी जा करके तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें समझने में काफ़ी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा सारा पैकिंग, बुक में भी तुम्हारा NCERT बुक में दिया हुआ है, और क्वेश्चंस वगैरह तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल सभी का बना सकते हो। एक जो टॉपिक तुम्हारा बच गया जो कि पैकिंग
पैकिंग एफिशिएंसी है तुम्हारा, पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंट, जैसे मैंने कहा 52% होता है किसका, सिंपल क्यूबिक का, 74% होता है तुम्हारा किसका, एफसीसी का, जो कि अभी बता भी रहे थे, और 61% होता है तुम्हारा बीसीसी का, तो उसको कैलकुलेट करके बता देंगे तुम्हारा इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा खत्म भी हो गया। और उसमें तुमको कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो डेंसिटी है या कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह तुम जो अगर चाहोगे तो उसको भी बताए जा सकते हैं, जैसा कि तुम्हारा जरूरत पड़ेगा तो तुम क्या कर सकते हो इसमें, जैसे जहां भी तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है, आई होप कि मैंने तो कोशिश किया काफ़ी जो थ्री डायमेंशन में जो समझने का, कुछ अपनी इमेजिनेशन का यूज करो और कुछ बुक से पढ़ो, तो जो भी तुम्हें और भी कोई अगर क्रिस्टल को समझने में दिक्कत हो रही होगी और अगर और भी परेशानी हो रही तो मुझसे राइट ऐप के माध्यम से हमसे जो है संपर्क कर सकते हो। राइस ट्रेडर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसके द्वारा तुम चाहो तो पर्सनल गाइड भी हम मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो, पर्सनल गाइड हो या नोट्स भी तुम चाहो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे के नोट्स भी मिल जाएंगे, तुम क्वेश्चंस भी जेई के बना सकते हो, जो कोई हार्ड क्वेश्चन है जो पहले एनसीईआरटी को सॉल्व कर लो उसका एग्जाम्पलर भी बना लो, तो इन सबों से तुम्हें काफ़ी क्लेरिफाई हो जाता है और बहुत से क्वेश्चन बन भी जाएंगे। और अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तुम्हें समझने में तो हमसे पर्सनल हेल्प के लिए संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।